हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको PT 365 पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैंने इकोनॉमिक्स वाली क्लासेस में 4 क्लासेस ले ली हैं, ठीक है। और मैं आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिस्कल पॉलिसी, लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बैंकिंग मॉनिटरी पॉलिसी, पेमेंट सिस्टम वगैरह सब चीज़ें पढ़ा दी हैं। और नीचे मैंने आपको सर्विसेज एंड एनर्जी भी पढ़ा दी है। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक, क्योंकि ये UPSC जो है यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है। दो दो सवाल आए हुए हैं 2023 में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्टली इसी से संबंधित सवाल पूछ दिया था और इसी को लिख के पूछा था, ठीक है। जो लोग नहीं जानते होंगे, आप PYQ उठाइए 2023 का, ठीक है, प्रॉब्लम्स का, पिछले साल का, आपको यहाँ सवाल मिल जाएंगे। लीड्स रिपोर्ट पे सवाल पूछ चुका है UPSC पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेगमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट पे। यहाँ दिया हुआ यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पहला टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। सुर्खियों में क्यों रहा वो चीज़ समझेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, UPSC ने इस पे सवाल पूछा था, क्यों पूछा था और क्या पूछ सकता है वो चीज़ समझेंगे। तो UPSC ने 2023 में इस पे ये सवाल पूछा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे संबंधित स्टेटमेंट था सीधे सीधे उसके डिफिनेशन से, और एक G20 से संबंधित उसको जोड़ के पूछा था, ठीक है। तो G20 जब भी जो है, जो पिछले साल भारत की अध्यक्षता में बैठक हुई है बहुत सारी, उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ घोषणा पत्र हुए हैं और कुछ सारे जो है पहल की गई हैं, उन सारे पहलों को समझेंगे। UPSC सवाल यहाँ से पूछ सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का उसका ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कि जो साझा डिजिटल प्रणालियाँ होती हैं, डिजिटल जो सिस्टम्स होते हैं उनका एक सेट होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, एकदम सिक्योर होता है, इंटर ऑपरेबल होता है, मतलब कि उसको आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर या अन्य चीज़ों के माध्यम से। जो भी सार्वजनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या निजी सेवाओं के लिए क्या होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके लिए कुछ मानक होते हैं, कुछ विनिर्देश होते हैं, उसी पे इसको तैयार करते हैं और इसका जो है इस्तेमाल करके हम जो है जो भी उनका सर्विसेज हैं लोगों तक सार्वजनिक तौर पे, जो सरकारें कुछ लाभ देना चाहती हैं या निजी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके होता है। वो क्या है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक। ये डिजिटल तौर पर, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब डिजिटल क्या है, यानी दूरस्थ क्षेत्रों में भी कागज रहित और भौतिक उपस्थिति के बिना पहुंच हो सेवा का, ठीक है, लागत में कमी हो, पहुंच में वृद्धि हो और डिजिटल रोड हो, इसका यदि डिजिटल की बात हो जाती है। पब्लिक में मतलब कि लोक प्रशासन, जनता के प्रति इसकी जवाबदेही हो, जनहित के लिए हो और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा हो सतर्कता से, ये बात आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीज़ें आती हैं कि जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहा है, वो जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए एक बुनियादी ढांचे के तौर पे हो, बुनियादी घटक के रूप में हो, जो क्या करे, जो डिजिटल समाधानों का, जो डिजिटल जो भी समस्या है उसका समाधान करे, उसके विकास करे, नवाचार को सक्षम बनाए, आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर ले, ठीक है। और जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो अवसंरचना सेक्टर है उस पर जो है उसका प्रभाव उठे, यानी सार्वजनिक निजी क्षेत्र सभी उससे लाभ उठा पाए, ठीक है। तो ये आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप समझो इसमें कंपोनेंट ये होता है कि 3 प्रणालियां होती हैं मूलभूत, जैसे एक पहचान प्रणाली होती है, दूसरी भुगतान प्रणाली होती है, तीसरा डेटा एक्सचेंज होता है। आप समझो कि इसमें क्या होता है कि भारत में जो भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको बोलते हैं इंडिया स्टैक। तो इस सवाल ये पूछ सकता है इंडिया स्टैक निम्न में से क्या है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है इसमें कि डिजिटल इंडिया जो इंडिया स्टैक है वो क्या है, भारत का DPI आर्किटेक्चर है, मतलब कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर, उसको क्या बोलते हैं, इंडिया स्टैक बोलते हैं। इसमें 3 तत्व हैं, कौन कौन से, और भारत मतलब इसमें मजबूत जो एक जो DPI होती है उसमें 3 प्रणाली होते ही है, और भारत में भी जो 3 प्रणालियां हैं उसको बोलते हैं इंडिया स्टैक, जो इसका आर्किटेक्चर है, मतलब इसका जो पूरा रूपरेखा है। तो पहला आर्किटेक्चर में क्या है, आइडेंटिटी सिस्टम है, मतलब हम किसी चीज़ को पहचान करने के लिए हम आइडेंटिटी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। भारत में इसके लिए आधार की संकल्पना की गई थी, आधार कार्ड आपके पास होगा वो जानते होंगे, इसमें कुछ यूनिक नंबर होते हैं, उसमें आपका जो आँख की पुतलियाँ होती हैं उसका स्कैन किया जाता है, उंगलियाँ स्कैन की जाती हैं, जो बायोमेट्रिक डेटा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी पहचान जो है वो उसको जो है सिक्योर की जाती है। दूसरा होता है पेमेंट सिस्टम, इसमें पेमेंट सिस्टम आप जानते होंगे, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है भारत में। क्या करते हैं ये कि जो भी आधार संख्या के लक्षित लाभार्थी होंगे उनको जो है ये पेमेंट्स करती हैं, या फिर मतलब जो है कि आप समझो कि उनके लिए पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराई गई है UPI के लिए। और मैंने आपको कल बताया भी था लिस्ट कि देश के किन किन, विश्व के किस किस देशों में जो है UPI जो है क्या किया जा रही है
एक्सेप्ट की जा रही है और कहाँ कहाँ अभी एक्सेप्ट हो सकती है वो चीज़ मैंने कल की क्लासेस में आपको बताई है। आपको पता होगा डेटा एक्सचेंज के लिए डीजी लॉकर है, आप जानते होंगे जो भी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट हैं आपका डीजी लॉकर अनिवार्य कर दिया गया है, आपके पास भी डीजी लॉकर होगा जहाँ पे आप सीधे जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, आधार कार्ड्स होते हैं, मार्कशीट होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं डिजिटली जो है उसको लॉकर के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये यहाँ है कि आपका एक कंपोनेंट है भारत के जो डिजिटल आर्किटेक्चर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका उसको बोलते हैं इंडिया स्टैक। भारत का नाम जो है डिजिटल डीपीआई का उसको बोलते हैं इंडिया स्टैक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि भारत भी न्यूज में क्यों रहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के नेतृत्व में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी GDPIR की जो है और सोशल इम्पैक्ट फंड SIF की शुरुआत की। SIF और GDPIR की शुरुआत की है किसने, भारत के प्रधानमंत्री ने, और ये कहाँ शुरुआत हुई है, G20 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई। आपको नोट कर लेना है इसको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात और देना है कि G20 का जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अमल में लाने के लिए 3 पहल की घोषणा की गई थी। कहाँ, किस में, नई दिल्ली घोषणा पत्र में। तो आपको ध्यान देना है नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को संबंधित है। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, किस में, G20 में, ठीक। 3 पहल क्या थी उसमें से, मतलब GDPIR तो पहला है, मतलब कि ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, और दूसरा क्या है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसका निर्माण कैसे, उसका फ्रेमवर्क बनाए। तीसरा उनके लिए, उनके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त जुटाएं, कहाँ पे, लो मिडिल इनकम कंट्री LMIC। और मैं आज अभी कहीं मैं खबर पढ़ रहा था, विश्व बैंक ने भारत को विकासशील देशों से हटा करके लो मिडिल इनकम कंट्री में रख दिया है, ऐसा मैं अभी पढ़ रहा था, पर पुष्टि नहीं कर रहा हूँ मैं आपको इसका संबंधित में आर्टिकल जो भी होगा मैं उसको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए फंड जुटाना है। तो यहाँ पे जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी वहाँ पे क्या क्या बात की गई थी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए GDPIR हो, मतलब ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी हो, ठीक है। दूसरा कि क्या करना है कि फ्रेमवर्क बनाना है, कैसे, किस चीज़ का, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए। चौथा, तीसरा क्या हो कि उनके लिए फंड जुटाना है, किसके लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कहाँ पे, लो मिडिल इनकम कंट्री में LMIC में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है कि GDPIR क्या होता है, तो आप समझो कि इसका इस्तेमाल किस, इसका जो है शुरुआत कौन किया है, तो इसका विकास जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। करेगा क्या, ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका डिजाइन करेगा, निर्माण करेगा, उपयोग करेगा, उसके लिए तकनीकी ज्ञान बनाएगा और तकनीकी ज्ञान की कमियों को दूर करेगा, कुछ विकल्पों को देगा ये, ठीक। सोशल इम्पैक्ट फंड है, इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार के नेतृत्व वाली एक बहुहितधारक फंड होगी जिसमें बहुत सारे हितधारकों को साधा जाएगा। ग्लोबल साउथ में, यानी ग्लोबल साउथ आपको बताया था ना मैंने, ब्रांड लाइन जो क्या करती है, डिवाइड करती है, एक ग्लोबल नॉर्थ जो विकसित देश है, विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ में रखा जाता है ग्लोब पे, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ के लिए क्या करेगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो तेजी लाएगा ये, ठीक है, जिसमें लो मिडिल इनकम कंट्री वाले होंगे वहाँ पे SDG के लक्ष्य की प्राप्ति में भी तेजी लाएगा। और भारत ने इसके लिए जो है सोशल इम्पैक्ट फंड के लिए आपको $25 मिलियन देने की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आपको पहला आर्टिकल कंप्लीट होता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, इस पे आपको रट लेना है। और कुछ चीजें जो है मंथली मैगजीन में मैंने कराई हुई हैं, आपको मंथली मैगजीन फॉलो किए होंगे तो वहां भी चीजें आप मालूम चल जाएंगे, पर इतना सफिशियंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब आता है हम लोग का दूसरा आर्टिकल, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP, इसकी शुरुआत का 1 वर्ष हो चुका है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। पहली बात समझो कि नेशनल लॉजिस्टिक क्या होता है, फिर ये लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, ये सब चीज़ें समझेंगे हम लोग। तो आप समझो कि मेंस में या प्रीलिम्स में दोनों में ही लॉजिस्टिक सेक्टर जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ से सवाल बनते हैं UPSC या किसी भी स्टेट PCS में, ये सवाल बनने की संभावना है इसमें लॉजिस्टिक सेक्टर से होती हैं। तो लॉजिस्टिक क्या होता है कि कोई उत्पादन हो, उपभोग हो, भंडारण का बिंदु हो, या वैल्यू एडिशन हो, या उससे संबंधित जो भी सेवाएँ होंगी उसके बीच का माल का परिवहन प्रबंधन लॉजिस्टिक कराता है। मतलब आप समझो कि क्या है कि आप ये देखो ये लॉजिस्टिक कैसे काम करती है, इसको आप समझो। देखो ये है आपका एरोप्लेन, ठीक है, ये पैकेजिंग हो रही है, और यहाँ मान लो यहाँ पे एक लोड, ये पैकेजिंग हो रही है, ये सामान कुछ बना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक, और ट्रांसपोर्ट होकर के ये कहाँ जाएगा, किससे जाएगा, ट्रक से जाएगा, ट्रक से मान लो या लोडर हुआ, लोड किया गया, ठीक है, लोडर से लोड किया गया, अब इसको जो है ये कहाँ पहुँचाया गया, वेयर हाउस में पहुँचा दिया गया, ठीक, वेयर हाउस में।
वेयरहाउस से फिट ट्रक आएगा, फिर वहां से उठाएगा इसको माल को लेकर के क्या जाएगा आपको टैंकर में पहुंचा देगा। टैंकर से क्या करेगा सीधे मान लो कि वो उसकी कहीं और डिलीवरी हो गई। तो जो बीच का जो सिस्टम है जो सामान को इधर से उधर कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ये सेवाएँ क्या होती हैं? लॉजिस्टिक सेवाएँ होती हैं। ठीक है, भारत में ये लॉजिस्टिक सेवाएँ होती हैं। तो लॉजिस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन चीज़ें आएंगी, आपको पता होना चाहिए कि जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सड़क आएगा, रेलवे आएगा, शिपिंग आएगा, इनलैंड वाटरवे आएगा, हवाई मार्ग आएगा, पाइपलाइन आएगा, अब इससे बंदरगाह, स्टेशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये सारी चीज़ें, गोदाम वगैरह क्या होती हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। अब इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो वर्क करता है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आपको फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है कि फैक्ट्स ये है कि प्रमुख पहलुए की $259 बिलियन का जो है लॉजिस्टिक सेक्टर का वैल्यूएशन है भारत में 2022 में। $260 बिलियन का वैल्यूएशन है पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर का, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। ठीक, और पूरे विश्व की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 में भारत की, उसकी रैंकिंग कौन सी है? 38वीं। UPSC सीधे पूछ सकता है इसको, स्टेट PCS सीधे पूछ सकते हैं कि विश्व बैंक ने इसे जारी किया है। ठीक है, विश्व बैंक ने इसको जारी किया है। विश्व बैंक ने क्या जारी किया? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, इसमें भारत का स्थान कितनी है? 38, 38वीं। याद कर लेना इसको, किसने जारी किया? विश्व बैंक ने जारी किया। और आपको मेंस में भी डेटा लिख लेना है कि GDP का 13-14% जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर के जो है लागत है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब आता है इसी लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी की गई थी। कब? 2022 में जारी की गई थी। क्या था इसका उद्देश्य? कि जो वस्तुओं के निर्बाध आवाजाही उसको बढ़ावा दिया जाए, घरेलू और वैश्विक बाजारों में जो भारतीय वस्तु उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए। इसके विजन में क्या क्या चीज़ें थी? कि एकीकृत हो, निर्बाध हो, दक्ष हो, विश्वसनीय हो, हरित हो, संधारणीय हो, लागत प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को हम लोग बढ़ावा देंगे। ठीक, ये बात थी। इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होगा? तो जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जो बेस्ट प्रोसीजर्स होंगे, जो कुशल जनशक्ति होगी, उसका लाभ उठाया जाएगा। तो इसके लक्ष्य क्या थे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के? कि हमें 2030 तक क्या करना है? वैश्विक मानक जो है लॉजिस्टिक सेवा का, वहाँ उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना है। लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें सुधार करना है। 2030 तक भारत को 25 देशों में शामिल करना है, टॉप 25 के देश में। भारत की वर्तमान रैंकिंग आपको बताया ना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, विश्व बैंक ने जो जारी किया 38वीं रैंक है। इसको क्या करना है? 2030 तक हमें 25वीं रैंक तक लाना है, यानी टॉप 25 देशों के बीच में हमें लाना है। ठीक, एक मतलब 10 लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए हमें डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास करना है। कार्यान्वयन के लिए क्या किया जाएगा? कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके लिए व्यापक जो है नेशनल लॉजिस्टिक एक्शन प्लान क्लैप शुरू किया गया था। क्लैप में क्या था? कि एक एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली हो, राज्यों की भागीदारी हो, मानव संसाधन का क्षमता निर्माण हो, विकास हो, भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण हो और बेंचमार्किंग हो, एक्जिम यानी कि आयात निर्यात कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लॉजिस्टिक हो, सेवा सुधार फ्रेमवर्क हो, कुशल लॉजिस्टिक के लिए जो सेक्टोरल योजना है वो भी शुरू हो और पार्कों के विकास की सुविधा शुरू हो। ठीक, तो ये बातें थी। अब आपको समझना है इसमें हमें याद क्या करना है। भाई मैंने तो पढ़ा दिया सब कुछ, इसमें पढ़ा याद करना है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी शुरुआत एक वर्ष हुआ, लॉजिस्टिक क्या होता है समझ लो आप, विश्व बैंक का रिपोर्ट समझ लो। ठीक, विश्व बैंक की रिपोर्ट 38वीं रैंक है। ये जो NLP है, NLP नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये क्या बोलती है, इसका लक्ष्य क्या है, इतना जान लो, बाकी काम खत्म। ठीक है, अभी तक कुछ कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूलिप प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिट में रहता है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। डिजिटलीकरण के लिए मैंने समझो कि उद्योग जगत के 614 से अधिक भागीदारों ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंटरफेस प्लेटफॉर्म को पंजीकरण करा दिया, यूलिप प्लेटफॉर्म पे। ये क्या है? ये जो है कि GST डेटा सहित लॉजिस्टिक से जितने भी उससे जुड़े हुए 34 डिजिटल सिस्टम उसको इंटीग्रेटेड तौर पे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, यूलिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, 22 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया है और ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस ई-लॉग पोर्टल को शुरू किया गया है, जो क्या करेगा, अब तक 29 व्यावसायिक संघों को इसमें यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है मुद्दे और शिकायत निवारण तंत्र के लिए। ठीक, तो हो गया ये खत्म। अब आता है लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट पे भी सवाल पूछा हुआ, UPSC UPPCS भी खूब सवाल पूछा हुआ है। लीड्स रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो इसमें वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में जो लॉजिस्टिक ईज है उस पर लीड्स रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, तो विश्व बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसी की तरफ पे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय 2018 से शुरू कर क्या लीड्स रिपोर्ट शुरू किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक का भी ध्यान देना है और हमें भारत का भी ध्यान देना है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में, 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 38वां है। ठीक,
और जो क्या है ये 6 आयाम प्रदेशों को रैंक देता है, मतलब जो विश्व का बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचा, शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, ट्रैकिंग, ट्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो इस पे ये क्या करता है रैंकिंग देता है। अब लीड्स क्या है, लीड्स जो है वो क्या करता है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक जो इकोसिस्टम की उनकी दक्षता है ना, जो दक्षता उनमें सुधार है उस पे आधार पर उनको रैंक देता है। तो दो असेसमेंट होते हैं, एक होगा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, दूसरा होगा परसेप्शन असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि जो केंद्रशासित प्रदेश जो या यूटी जो है या जो राज्य हैं वो प्रदर्शन जैसा करेंगे वो, और उनके यहाँ कैसे भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण है जो कि लॉजिस्टिक को मजबूत कर रहा है उस पर होगा। और एक परसेप्शन में होगा कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सेवाएँ और ऑपरेशन और जो विनियामिकी व्यवस्था कैसी है उस पर इनका रैंकिंग होता है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कुछ कुछ मतलब पहल शुरू की गई हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के राज्यों द्वारा। तो बाहर 21 राज्यों और 2 यूटी ने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ को अधिसूचित कर दिया है। 15 राज्य और 1 यूटी जो है लॉजिस्टिक सेक्टर को उद्योग का दर्जा दे चुके हैं। उद्योग मतलब उद्योग का दर्जा देने का फ़ायदा ये होता है कि जो उद्योग सेक्टर को जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको जैसे कि कुछ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, जैसे कुछ फंड्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो भी सुरक्षाएँ मिलती हैं सारी चीज़ें उद्योग को, वो सारे सेक्टर जो उपलब्ध होंगे वो लॉजिस्टिक सेक्टर को भी उपलब्ध होंगे उद्योग का दर्जा मिल जाने से। ठीक है, अभी जानना है कि 2014-15 के बाद हमारे यहाँ सड़कों और ट्रैक की जो रेलवे ट्रैक है उसकी कुल लंबाई लगभग 21% और 9% बढ़ी है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे लगा इसमें कुछ बहुत कुछ समझने लायक ऐसा नहीं है जो कि आपको ना आता हो। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, इसने भी 2 वर्ष पूरे कर लिए अपने शुरुआत की, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी सबसे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को सुधारना है, इसको जो है इसी को इसने सुविधाजनक बनाया है। और लॉजिस्टिक लागत में काफ़ी कमी है, क्योंकि अगर मान लो कि कनेक्टिविटी सुधरेगी तभी तो लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, क्योंकि पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर ही जो है वो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है। तो आप समझो कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें समझेंगे, इसके कुछ स्तंभ हैं और उसके बाद इसके क्या क्या अन्य चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। तो पीएम गति शक्ति योजना जो है क्या हुआ था कि भारत के जो विभिन्न इकोनॉमिक्स जोन थे उसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए शुरुआत की गई थी। जो अनेक इकोनॉमिक्स जोन है, जैसे कि मान लो कि विनिर्माण हो या अन्य सेवाओं या कई सारी आर्थिक गतिविधियाँ एक जगह पर शुरू की जा रही हों, तो वो क्या होता है आर्थिक क्षेत्र होता है। जैसे नोएडा हो गया, जैसे कि आपको समझो कि सूरत हो गया, मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, ठीक है, भावनगर हो गया, जामनगर हो गया, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि इसमें टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे हों, इलेक्ट्रॉनिक पार्क हों, इन सारे आर्थिक क्षेत्रों को शामिल किया जाए। और इनके लिए एकीकृत पोर्टल भी शुरू किया गया है, और क्या है कि सभी 100 मंत्रालय हैं, 16 मंत्रालय, रेलवे, सड़क परिवहन वगैरह, इनको इसी पोर्टल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें प्राइमरी फोकस में क्या बात की गई है कि योजना के तहत जो है प्राइमरी फोकस होगा वित्त और पोषण के नवाचार तरीके हों, जो टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जाए, योजना संचालित करने की जो प्रक्रिया में देरी होती है उस पर जोर मतलब तेजी लाया जाए। ठीक, दायरा इसका क्या होगा, इसमें 7 इंजन होंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके 6 स्तंभ हैं, आप समझो कि 6 स्तंभ को ध्याना नहीं है, मतलब कॉम्प्रहेंसिव प्रायोरिटाइजेशन, इसको मैंने मंथली मैगजीन में कराया भी है, ऑप्टिमाइजेशन हो, सिंक्रोनाइजेशन हो, एनालिटिक हो, डायनेमिक हो। ठीक, तो इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपने समझ लिया ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब आते हैं कि इसमें कुछ कुछ सुर्खियों में क्यों रहा वो समझते हैं कि इसकी 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और काफ़ी इसने जो है हेल्प किया है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाया भी है, ये सच्चाई है। और इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो कार्यान्वयन प्रक्रिया उसमें तेजी आई है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं थी उसको अंतिम स्वीकृति देने की जो 3 माह 4 माह थी वो 1 माह हो चुकी है। सूचनाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार केंद्रों, औद्योगिक केंद्रों पर जो है डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, और जैसे कि जो आप समझो कि बिसान जी एन है, मतलब भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग भू सूचना और भू सूचना विज्ञान के, इनके द्वारा जो है डायनेमिक जो यानी जीआईएस पे, ठीक है, ज्योग्राफिकल जो है इंडिकेशन पे, इस पे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया गया है, जिसका उपयोग कौन कर रहा है, सभी मंत्रालय विभाग कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना कि डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल कौन बनाया है, तो आपको ध्यान देना भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने जीआईएस प्रणाली पे ये बेस्ड है। ठीक, अभी भारत सरकार जो है कई सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तंत्र विकसित कर रही है, किसके तहत, पीएम गति शक्ति के तहत, जैसे भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, इनलैंड वाटरवे हो गया, शुष्क भूमि बंदरगाह हो गया, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एकीकृत किया गया। ठीक, ये आर्टिकल हो गया।
अब आता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, रेलवे का कॉरिडोर होता है, ठीक है, रेलवे का कॉरिडोर होता है जो क्या करता है कि जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी मान लीजिए कोई वस्तु या कोयला हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, ठीक, कुछ मतलब जैसे जो भी कमोडिटीज यूज होती हैं उनका उनको क्या होगा, उनका तेजी से और दक्षता से परिवहन के लिए रेलवे में ही कॉरिडोर बनाए जाते हैं। और क्या होते हैं ये हाई स्पीड से और जल्दी जो होते हैं हाई टेक्नोलॉजी से युक्त होते हैं, ये ढुलाई क्षमता से युक्त होते हैं, यानी एक तरह से लॉजिस्टिक सेक्टर में ये जुड़ी चीज़ें हैं, और ये क्या करती हैं, ढुलाई के काम करती हैं, ठीक है, ये दक्ष परिवहन के लिए बनाया गया है, और ये रेलवे का कॉरिडोर होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इन सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया। मैप में देखते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, आप समझो, देखो ये ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये है, समझो ये कि पूर्वी वाला, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि साहनेवाल से कहाँ जुड़ा हुआ है आपका, सोननगर तक, ठीक है, फिर इसको बढ़ा करके खड़गपुर किया गया है, फिर यहाँ पे ईस्ट कोट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, फिर आपका जो इटारसी आता है आपका, फिर ये जो है पश्चिमी डेट फ्रेट कॉरिडोर दादरी से आपका ये मिलके कहाँ जा रहा है आपका, मुंबई तक, ठीक है मुंबई तक जा रहा है आपको। तो आपको ध्यान देना न्यू घोलवड़ है, तो ये क्या है डेट जो है कि इंटीग्रेटेड डेट फ्रेट कॉरिडोर है। तो इसमें क्या होगा, क्या यहाँ पे कि इसका जो है जो माल ढुलाई यातायात है उसको सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी जो भी रेलवे की जो मौजूदा भीड़ भाड़ है, जैसे कि आप समझो कि अभी आपने पहले देखा होगा कुछ सालों पहले कि आप जिस पटरी से आप जा रहे थे, जिस ट्रेन से बैठे थे, उस ट्रेन को रोक देता है बीच में, क्योंकि वहाँ से मालगाड़ी गुजर रही होती है, या मालगाड़ी को आपने देखा होगा काफ़ी जो है लेट से चलती हैं, वहीं स्टेशन पर खड़ी रहती थी। अब क्या होता है, सरकार ने इस पर प्राथमिकता बदला, वहाँ कि नहीं मालगाड़ी जो होती हैं, जो माल ढुलाई करती हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए, सबसे पहले उनको रवाना किया जाए, बाद में यात्री ट्रेनें जाएंगी, तो ठीक है। तो सरकार ने मतलब सुधार की ये किया कि लॉजिस्टिक सेक्टर से सुधार होगा और दस्ता से जो है माल ढुलाई यातायात को जो है वो हम कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने अलग से जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क था उस पर भीड़ भाड़ कम करके अलग से उनके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, जो कि माल ढुलाई के लिए रेलवे का इस्तेमाल होता है, ठीक। क्रियान्वयन कौन कर रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रहा है, DFCCIL, ठीक है। इसका गठन कहाँ कब किया गया था, 2006 में किया गया था, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ये उद्यम है पूर्ण स्वामित्व वाला, जो रख रखाव करता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि इसे समर्पित माल भाड़ा गलियारों के तट पर बनाया जा रहा है, जो डेडिकेटेड कोल्ड कॉरिडोर है, किस लिए, क्योंकि आपको समझो कि जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थे माल ढुलाई के लिए, उसी लिए डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कोल कॉरिडोर मतलब सिर्फ कोयला यहाँ पे ढोया जाएगा, किस लिए, जो क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य हैं, वहाँ क्या है कि कोयला उत्पादन होता है, और कोयला उत्पादन होता है तो क्या आता था कि जो भी मालगाड़ियाँ वहाँ से निकलती थी, वो यात्री जो मालगाड़ियाँ होती थी, या अन्य जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलग से बना है उसमें भी क्या होते थे कि अन्य जो गाड़ियाँ हैं उससे वो क्या होता है कि सिग्नल संबंधी समस्याएँ, या फिर जो है उसी ट्रैक पे अधिक से आवाजाही होने से उन्हें समस्या सामना करना पड़ता था। इससे क्या होता था कि जो माल ढुलाई है कोयले की वो जो है प्रभावित होती थी। इसके लिए अब क्या बनाया गया कि कोयले के लिए अलग से हम लोग क्या करेंगे, डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है वो आपका, जो कि ये इसका मैप है, ठीक। तो आपने ये देख लिया, तो आपको इसमें अब ये बात है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें जो विश्व बैंक है, वो जो ईस्टर्न वाला, उसने विश्व बैंक द्वारा इसको पोषित किया गया है, ठीक है, विश्व बैंक इसको पोषित किया है, ध्यान देना आपको। अब आता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS प्रोजेक्ट, इसको मैंने मैगजीन में कराया हुआ है, और आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। तो हाल ही में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की शुरुआत हो चुकी है, और इसे उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन की प्रचारण शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद जो है इसमें ट्रैवल किया था, आप जानते होंगे, न्यूज़ में कवर हुआ था, ठीक है। तो यूपी की स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू हुआ था, साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्यों शुरू हुआ, RRTS प्रोजेक्ट। तो RRTS प्रोजेक्ट ये था कि जो दिल्ली NCR है, दिल्ली NCR मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली सहित जो है यूपी के कुछ जिले आएंगे, ठीक है, कुछ जिले हरियाणा के आते हैं, और कुछ जिले जो हैं आपके जो है यहाँ पे ऊपर राजस्थान के आते हैं, ठीक है। तो ये आप समझो कि इसी के लिए जो है जो भी NCR में जिले आते हैं, तो NCR काफ़ी बड़ा हो गया,
तो अब उन NCR रीजन में जो भी रीजनल सेक्टर्स हैं केंद्र होंगे उनके लिए एक नई समर्पित हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी वाली आरामदायक रेल यात्री ट्रेन की सुविधा बनाई गई। इसकी गति 160 से 180 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। और ये क्यों मेट्रो से अलग है, क्योंकि मेट्रो की तुलना में यहाँ पे RRTS जो है रीजनल रैपिड ट्रेवल सिस्टम ट्रांजिट सिस्टम, इसमें बहुत कम स्टेशन होते हैं, ट्रेन की स्पीड काफ़ी अधिक होती है और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सेवा देता है, ठीक है। ये करिए क्या कि जो डेडिकेटेड एक मार्ग होगा उनका, उस पर हाई स्पीड से साथ विश्वसनीय बिल्कुल कम टाइम में पॉइंट टू पॉइंट जो है रीजनल जो ट्रैफिक की सेवा होगी वो जो है परिचालन की वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसका जिम्मा कौन किसको सौंपा गया है, NCRTC को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा गया है NCRTC को। ये आपको ध्यान देना एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, किसकी, केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और UP की। कौन इसका जो है किस प्रशासनिक नियंत्रण करता है, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है, ध्यान देना इसको। इसका उद्देश्य एक ही मात्र था कि NCR रीजन में RRTS परियोजना को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को शुरू करना, इसका NCRTC किस उद्यम कंपनी है संयुक्त जो है, तो केंद्र की, ठीक है, केंद्र की, यूपी की, दिल्ली की, हरियाणा की और राजस्थान की, ये ज्वाइंट जो है एक उद्यम कंपनी इंटरप्राइज कंपनी है और शहरी कार्य मंत्रालय जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका नियंत्रण करता है, ठीक है। बस वाटर मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, कोच्चि वाटर मेट्रो जो है PM ने इसका उद्घाटन किया, कोच्चि वाटर मेट्रो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा है। सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है, वन डे एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो भारत की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा है कोच्चि वाटर मेट्रो जो है, ये क्या है, एक अभिनव प्रयोग है और ये सस्टेनेबल मतलब एक तरीका है जो संवैधानिक तरीका है, जो क्या करेगा, जलमार्गों का जटिल नेटवर्क है उसके माध्यम से शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा गया है कोच्चि में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए है, UPPCS ऐसे सवालों पर फोकस करता है, UPSC भी करता है, ठीक है। तो इस बोट में जो इस मैंने जहाँ पे बोट या इस्तेमाल किया गया, इसमें लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड LTO बैटरी, LTO, ठीक है, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यह बैटरी क्या है, विशेष रूप से चार्जिंग सिस्टम की मदद से 15 मिनट में चार्ज हो जाती हैं और बहुत लंबी दिन चलती भी हैं, काफ़ी लंबे समय तक, और सबसे व्यावसायिक रूप से 16 बैटरियां होती हैं, ठीक। अभी पिछले साल ही कोच्चि वाटर मेट्रो थी उसने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक यात्री इलेक्ट्रिक बोट बनाने के लिए फ्रांस का प्रतिष्ठित जो है गसीज अवार्ड भी जीता था। तो अंतर्देशीय जल परिवहन सेवाएं क्या होती हैं, अंतर्देशीय जल परिवहन मतलब कि देश के अंदर जो है वो जल के माध्यम से परिवहन सेवाएं जो उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे सरकारों ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि आप समझो रिवर क्रूज सेवा शुरू की गई, दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा ब्यास की शुरुआत हुई वाराणसी से, ठीक है, मुंबई और मांडवा के बीच में ईस्टर्न वाटर डेवलपमेंट के तहत रो पैक्स फेरी सेवा। अभी आप जान समझो कि जलमार्गों पे वाहन और यात्रियों के लिए आवाजाही के लिए रो फेरी सेवा की गई थी, कहाँ पे, मुंबई, कोरल, गोवा, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, स्टेट बैंक ने इस पे एक प्रीपेड कार्ड शुरू किया है। आप जानते होंगे जैसे आप दिल्ली मेट्रो में कभी ट्रैवल किए होंगे, ट्रैवल करने बहुत लोग किए होंगे, तो वहाँ पर एक कार्ड होता है, ठीक है, वो कार्ड होता है, वहाँ पे कार्ड आपने कार्ड बनवाया है, तो आप जो है उसमें कुछ पैसा डाल दो और अपना फिर इजीली आप मूव ऑन करो, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, उसमें पैसा कट जाता है। उसी तरह से जो है एक ये कार्ड है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, कि भारतीय स्टेट बैंक ने इसको शुरुआत किया है, प्रीपेड कार्ड है, इसको जो शुरू 2019 में किया गया था, इसे वन नेशन वन कार्ड के रूप में जाना जाता है, जो देशों में लोगों के आवागमन को आसान बनाएगा, मतलब आप कहीं जाओ कहीं भी जाओ उसमें पैसा डालो और अपना यूज करो और ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होगा, मेट्रो सेवा, बस सेवा, उपनगरी सेवा, टोल पार्किंग, स्मार्ट सिटी, जो रिटेल प्राइस की जो छवि क्षेत्र भुगतान के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, चिप कार्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए जो डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड प्लेटफॉर्म पे ही जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान देना कि दोहरे इंटरफेस वाले कार्ड होते हैं, मतलब ये दो इंटरफेस का काम करेंगे, आप समझो कैसे, आप दोहरे इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि समझो कि NCMC दोहरा इंटरफेस हुआ, एक तो होता है कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस, मतलब आप समझो कि आप दिल्ली मेट्रो का उदाहरण बताया ना आपको, वहाँ जाते हैं आप, वहाँ एक जो मशीन जो होती है वहाँ पे लगी रहती है, उस पे चिपकाते हैं आप और सीधे आपका अकाउंट से पैसा कटता है, ठीक, और क्या होता है इसके बाद जो है कि वो आप निकल जाते हैं, लेकिन उसमें आप समझो कि उसकी एक समय सीमा होती है, ठीक, और
उस पर जो पैसे होते हैं वो भी आप जानते होंगे कि उसमें एक लिमिटेड पैसा होता है, जितना पैसा आपका रहेगा उतना ही आपको यूज करना होता है उसमें, ठीक। तो इसी तरीके से क्या होता है उसमें कि जो बैंक होता है वो अपना वो फिक्स किया रहता है, इतना ही पैसा आप डाल सकते हैं और इतना ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन ट्रांजेक्शन के लिए संख्या होती है और सब समय सीमा निर्धारित होती है, और ये बैंक जो जारी करता है उसके लिए अलग होती है, ठीक। एक होता है कॉन्टैक्ट इंटरफेस, यहाँ पर क्या होता है कि इसको इसके लिए जो है आपको जो है जो आपका बैंक अकाउंट से सीधे लिंक होता है और उसके लिए पिन की आवश्यकता है, जैसे UPI का हो गया, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट इंटरफेस हो गया। और कॉन्टैक्टलेस में यहाँ पर पिन की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधे जो है कार्ड को आप पंच करो और सीधे आप वहाँ से निकल जाओ। तो ये होता है, पिन की आवश्यकता नहीं होती है ऑनलाइन, ये आपका अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, बल्कि जो उसके जो कार्ड में जितना पैसा आप डाले रहेंगे यूज किए रहेंगे उतना ही आपका जो है पैसा वहाँ पे यूज होता रहता है। तो दोहरा इंटरफेस है। तो ये जो NCMC है ये दो इंटरफेस यानी कि दोनों कार्ड यहाँ पे से हो सकता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंटरफेस और कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस दोनों यूज यहाँ पे जो उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत अच्छा है। अब इसको विकसित कौन किया है, तो ध्यान देना आपको कि आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग जो CDAC है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, CDAC और BEL वेल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है, शहरी आवासन और जो आवास और शहरी कार्य मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ये इसका सुपरविजन था। कार्ड कैसे काम करेगा, इसके लिए स्वदेशी रूप से जो है पेमेंट इकोसिस्टम का उपयोग करता है, इसमें NCMC कार्ड जो होगा, स्वीकर होगा, इसे स्वीकर कौन विकसित किया है, CDAC किया है, स्वागत कौन किया है, इसको बेल ने किया है, ठीक। तो इसमें एक जो होता है NCMC चिप कार्ड में एक जो है इनबिल्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना होता है, इसमें भुगतान करने के लिए स्वीकर और स्वागत के सहयोग से एक सिक्योर कनेक्शन बनेगा, और यहाँ पे ये सिक्योर कनेक्शन कैसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन की एक टेक्निक होती है जो क्या करेगी कि दो डिवाइसेस होंगी उनके बीच में कम्युनिकेशन का जो है इस्तेमाल करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो लोग आप साइंस पढ़े होंगे आपको पता है 11th 12th मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसका इस्तेमाल करती हैं, और ये सिक्योर कनेक्शन होता है, ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन का, तो ये इस्तेमाल होता है। तो आपको इसमें ध्यान बस इतना देना है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसने जारी किया है, कैसे काम करता है, दो इंटरफेस आप जानते होंगे, इसका विकसित किसने किया है, NPCI, CDAC और बेल ने किया है। इसमें दो तीन बातें हैं, स्वीकार और स्वागत, स्वीकार को CDAC ने किया है, स्वागत को बेल ने किया है, ठीक, ये हो गया। और जारी किसने किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल जो है ये वन डे एग्जाम्स जो हाल फिलहाल में हुए हैं उस पर सवाल ये पूछा हुआ है। तो ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, यही सवाल पूछ दिया था कई बार जो है ये जो वन डे एग्जाम्स हुए हैं हाल फिलहाल के अंतर्गत, दो एग्जाम्स मैंने डायरेक्टली देखा हुआ है, पेपर में देख रहा था उसका, तो पूछा हुआ था, ठीक। तो ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, यहीं पे जो है इसी समिट में मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 को दस्तावेज जारी किया गया था। कौन तैयार किया था इसे, तो इसे जो है पत्तन पोन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसको तैयार किया था, इसके मंत्री जो है माननीय श्री नितिन गडकरी जी हैं, और पहला आप जानते हैं मैरिटाइम शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में ही किया गया था, तो 23 वाला जो है संस्करण वो भी मुंबई में किया गया। तो ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2023 क्या है उसको समझेंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसके बाद ग्रीन पोर्ट के बारे में गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। तो मैरिटाइम सेक्टर विजन जो है 2023 अमृतकाल का विजन 2047 इसमें है क्या है कि जो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है ना उसको पूरी तरह से बदलने के लिए 11 जो व्यापक तौर पर थीम है उससे जुड़ी जो पहल होती है उसकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है, ठीक है। तो ये समझो यहाँ पे कि संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्र ये बात की गई यहाँ पे कि संधारणीय और सस्टेनेबल और जो ग्रीन जो है समुद्री सेक्टर होना चाहिए, इसमें 14 जो प्रमुख मेजर पोर्ट्स हैं ना उनको क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है, मतलब यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन ना हो इस पोर्ट्स पे, ठीक, ये हरित ईंधन को अपनाया जाए यहाँ पे और भारत को हाइड्रोजन का उत्पादन और वितरण केंद्र भी बनाए जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि एक अंतर्देशीय इनलैंड पोर्ट ग्रीन ट्रांजिशन कार्यक्रम को शुरुआत की जाएगी, 3 हाइड्रोजन बंकर होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बंकर कहाँ कहाँ होंगे, तो पारादीप पत्तन पे होंगे, पारादीप पे कहाँ है ये आपका उड़ीसा में है, ध्यान देना पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में, इस यहाँ पे हाइड्रोजन बंकर स्थापित होंगे। एक होगा दूसरा दीनदयाल पत्तन, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, और VO
चिदंबनार पत्तन, ये कहाँ पे है, नाम से मालूम चल रहा होगा तमिलनाडु में है। ठीक, कुछ कुछ पोर्ट्स का आधुनिकीकरण होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, जैसे कि उनका परिचालन लागत है उसको सुधार किया जाए, डिजिटलीकरण में तेजी किया जाए, स्मार्ट हों, ऑटोमेटिक हों और जो भविष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं उसके अनुरूप हों। इससे क्या होगा, भारत के जो पोर्ट्स होंगे उसको विश्व के 25 पोर्ट्स में टॉप में उसको शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां बताया गया इस विजन है 2047 का, कि इसमें कि हमें जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकल के लिए वैश्विक भागीदारी में शामिल होने की बात की गई है। ठीक, और बताया गया कि हमें जो पोर्ट्स हैं, प्रमुख पोर्ट्स हैं, उस पर 100% PPP मॉडल को हम लोग लागू करेंगे और महासागर, तटीय और नदी क्रूज सेवाओं को जो है अग्रणी बनाया गया है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को बनाने की बात की गई है। 25 जो है हम लोग टर्मिनल इसके लिए विकसित करेंगे। लॉजिस्टिक सेक्टर में भी हम लोग जो है इसमें कि जलयानों की संख्या पर्तन पे समझने ठहरने और जो अंतरदेशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी जो है हमारी 6% से बढ़ा करके हमें 12% करेंगे, तो जो रोड और रेलवे पर भार है वो बिल्कुल कम होगा। सरकार जो है जलमार्गों के परिचालन को जो है वो दोगुने करने की वृद्धि करने का लक्ष्य रख रही है। इसके लिए कुछ अन्य विषय होंगे, जैसे पेशेवर समुद्री सेवा दी जाएगी, विश्व स्तरीय शिक्षा अनुसंधान रिसर्च होगा, ठीक है, समुद्री क्लस्टर का भी इस्तेमाल होगा और भारत में IMO सेल का गठन भी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 क्या है, कि पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ही, जलमार्ग मंत्रालय ने ही यहाँ पे हरित सागर नाम से हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 जारी किए। तो हरित सागर किससे संबंधित है, तो ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश जो है ये किस लिए, हरित सागर मतलब ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस जो है इसी से संबंधित है। और किस लिए शुरू किया गया, किसने शुरू किया है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ये जो दिशा निर्देश है, हरित सागर दिशा निर्देश, इसमें जो पत्तन का विकास होगा, पोर्ट्स का जो उनका संचालन होगा, रख रखाव होगा, उसके इकोसिस्टम में जो उनकी वर्क की कैपेसिटी उसको बढ़ाई जाने की बात की गई है, जो भी साथ ही जो प्रकृति के साथ कार्य करने की जो धारणा है उसको अपनाना है, हमें प्रकृति के साथ काम करना है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं और उसके अनुरूप ऐसा ना हो कि उसके विरुद्ध काम किया जाए और जो है उसका प्राकृतिक रूप से दुष्प्रभावों को हमें झेलना पड़े। ठीक, और पत्तन इकोसिस्टम पे जो जैविक घटकों पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। यहाँ ग्रीन जो है मतलब एनर्जी के उपयोग की बात की जा रही है, ये ग्रीन पोर्ट्स क्या होंगे जहाँ पे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जैसे कौन कौन से, तो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल होगा, ग्रीन मेथनॉल या इथेनॉल का इस्तेमाल होगा। तो ये क्या है, ये सारे बायोफ्यूल्स हैं जो कि आपका जो है हरित ऊर्जा पे ये बात की जा रही है और इन्हीं सारे जो हरित ईंधन है इनके भंडारण होगा, कुशल प्रबंधन होगा, बंकरिंग होगा और यहाँ बंकरिंग के लिए आपको ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमने बताया ही ऊपर कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, तो पारादीप का, दीनदयाल का और वीवो चिदंबनारा पुत्तन जो है इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बंकर बनाए जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ विजन है जो दिशा निर्देश में बताया गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें से कुछ चीज़ों को देख लेना है कि हमें 2030 तक जो है हमें पत्तन के संचालन के लिए जो विद्युत की जरूरत होती है, जो बिजली की जरूरत होती है उसका 60% और 2047 तक 90% हम विद्युत की जरूरत कहाँ से पूरा करेंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होंगे उनसे पूरा करेंगे। 2030 तक जो पोर्ट्स होंगे उनके पास कम से कम एक LNG बंकरिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और 2025 तक जो पोर्ट्स होंगे उनके भीतर और आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन होंगे। ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव अपनाना है और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संबंधित पहलुओं का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ग्रीन पोर्ट से कुछ पहल की गई हैं, तो आपको यहाँ पे पहल को ध्यान में रख लेना है और ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट की शुरुआत की गई है। यहाँ पे आप समझो कि प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स की शुरुआत की गई है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बता दूं, प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। दो घटक हैं यहाँ पे, ग्रीन जो है हरित पत्तन पहल ठीक, और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। ये जो है ग्रीन पोर्ट्स की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे इसमें दो कंपोनेंट आएंगे इसके। ठीक, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, इसकी स्थापना की गई है, एक्सीलेंस सेंटर है जो ग्रीन पोर्ट्स को स्थापना और शिपिंग को जो है ग्रीन एनर्जी क्या यूज करने के संबंधित जो है अन्य सारे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अन्य सारी जो है एकेडमिक गतिविधियां चलाएगा। भारत में IMO ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट के तहत एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है। IMO ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी अभी क्या है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है, इसका अध्ययन किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट है ना। ठीक, बाद में जब ये सफल होगा तो ये लागू किया जाएगा। इसी तरह से हरित पत्तन ड्राफ्ट नीति का जो है यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक, तो ये भी सारी चीज़ें क्या है कि ग्रीन पोर्ट से संबंधित पहले हैं। अब आता है 8वां आर्टिकल की रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, भारत में रेलवे सुरक्षा।
तो आप जानते होंगे कि पिछले साल उड़ीसा में बालासोर में रेलवे की दुर्घटना हुई थी, ट्रेन जो है दो ट्रेनें आपस में लड़ गई थी, ये चर्चा का विषय बन गया रेलवे सुरक्षा। तो आप समझो एक डेटा कि आपको ध्यान देना है कि विश्व का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क कौन है, भारत है, पूरी दुनिया में किसके बाद, यूएसए चाइना और रूस के बाद कौन होगा, इंडिया चौथा बड़ा नेटवर्क है, 6700 किलोमीटर का जो है ट्रैक है पूरी। भारत में जो है कुछ रेलवे के सेफ्टी इको सिस्टम्स हैं, जैसे कि जो ऑपरेशनली जो मतलब हम परिचालन करते हैं उस पर अग्निशामक है, ट्रैक प्रबंधन प्रणाली भी है, कवच सबसे इंपॉर्टेंट है, कवच यूपीएससी सवाल पूछ भी चुका है कवच, ठीक है, ये हाल ही में शुरू भी किया गया था। हॉट 3X सिस्टम है ट्रैक के लिए, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार है, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और अल्ट्रासोनिक से भी कुछ जो जरूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, त्रुटि का पता लगता है। प्रशासनिक स्तर पर रेलवे सुरक्षा आयोग है, रेलवे डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, DRF फंड है, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष है, और RPF है, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। तो भारत में रेलवे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि क्यों ये ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो भारत में समझो कि जो नकारात्मक परिचालन अनुपात है, मतलब रेलवे में अपग्रेडेशन और सुरक्षा पे खर्च कम हो पाता, क्यों, क्योंकि आप समझो रेलवे भी घाटे में चल रही है, परिचालन अनुपात क्यों है, क्योंकि आप समझो कि 100 रुपये अगर रेलवे को कमाना हो तो उसके लिए रेलवे को 107 रुपये खर्च करना पड़ता है 100 रुपये कमाने के लिए, तो 7 रुपये घाटे में हुआ ना, तो कहाँ से खर्च करेगी अपग्रेडेशन पे, सुधार पे, ये समस्या है। पटरी से उतरने की बात ही है कि 4 साल में रेलवे से लगभग 69% जो दुर्घटनाएं हुई हैं क्यों हुई, ट्रेन पटरी से उतर जा रही हैं, पटरी पे क्या है कि क्षमता से अधिक ट्रेन भी दौड़ रही हैं, 10,000 किलोमीटर की जो पटरी की क्षमता है देश भर में उस पे उसका उपयोग क्या 125% उसका यूज हो रहा है, ये भी समस्या है। कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी, इसको छोड़ो, रेलवे सुरक्षा के दौरान जो कुछ कदम उठाए गए हैं तो कौन सा है, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष है, 2017-18 में एक कोष बनाया गया था जो महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों के बैकलॉग को पूरा करता है, जो छूटे होते कार्य रहते हैं जिसका होगा रेलवे की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है, लिम्फे हॉफमैन बुश डिब्बों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इसमें इस डिब्बे थोड़ा मतलब होते क्या है कि ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के डिब्बे की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक IT एप्लीकेशन है वेब आधारित जो क्या करती है, पुल संबंधित जो होता है 24x7 उपलब्धता जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, और कवच प्रणाली है। कवच प्रणाली इंपॉर्टेंट है, कवच प्रणाली इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि इसको PM ने और जो हमारे रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत धूमधाम से इसको शुरुआत की थी। ये एक सुरक्षा उपकरण है जो ट्रेनों का करेगा आपस में टकराने से रोकेगा, मतलब एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन आ रही है बीच में तो रुक जाएंगे आपस में ही, ठीक है, वो टकराती नहीं है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली 2012 में विकसित किया गया था, और इसका नाम क्या था, ट्रेन कॉलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, इसका नाम बदल के कवच कर दिया गया, ठीक। कौन विकसित किया है, RDSO ने, DRDO मत कर देना, RDSO ने किया है, ठीक है। और ये क्या है, एक जो है अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के मानक को रोकता है, ये दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकेगा और आपातकाल संदेश भेजता है, लाइव निगरानी करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, कौन लाइव निगरानी कैसे होता है, नेशनल मॉनिटर सिस्टम के जरिए, यहाँ पर त्रुटि क्या होती है, नहीं के बराबर होती है कवच लगा रहेगा तो, ठीक है। यहाँ एक चीज आता है, रेलवे सुरक्षा आयोग, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, कमीशन ऑफ द रेलवे सेफ्टी CRS, ये क्या था, इसका नाम पहले था रेलवे इंस्पेक्टरेट, जैसे होता है ना कि जो मतलब निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टरेट था, उसका नाम बदलकर क्या बनाया गया, कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी बना दिया गया। इसको 1961 में इसको जो है रेलवे सुरक्षा आयोग पूरा नामित किया गया था, मुख्यालय कहाँ पे, लखनऊ में, UP स्पेशल बन सकता है ये, ठीक है। रेलवे सेफ्टी कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी ये है, ये कहाँ पे उसका मुख्यालय है, लखनऊ में। सबसे इम्पॉर्टेंट और चौंकाने वाली बात, इसका मंत्रालय रेलवे न होकर के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, नागर विमानन मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये गलत मत करना, तो गलत नहीं होना चाहिए सवाल, क्योंकि ये नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गंभीर रेल घटनाओं की, ये दुर्घटनाओं की ये जाँच करता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब आता है भारत में न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये बना गया NCAP। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में जो है सेफ्टी टेस्ट के लिए एक स्वदेशी स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की। होता क्या है कि जब कार बनती है तो उसके लिए सेफ्टी टेस्ट होता है, ठीक। सेफ्टी टेस्ट होता है, वो मानक होते हैं कि इस मानक पे अगर ये कार उभर जो ये मतलब से मानक पे जो है ये ठीक है उतर रही है तो इसको जो है बाजार में उतारा जाएगा, ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के लिए जो भारत अभी वैश्विक मानक थी, अब भारत में खुद के जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उसने जो है
इसने क्या किया कि वाहनों में दुर्घटनाग्रस्त के लिए जो छपी टेस्ट होता है उसके लिए स्वदेशी स्टार रेटिंग मतलब खुद का अपना स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू किया गया। ठीक है, तो एक जब एक से पाँच स्केल होगा इसका जो क्या करेगा क्रैश से सेफ्टी टेस्ट और सुरक्षा का आकलन करेगा। ये भारत के जो कार विनिर्माता कंपनियाँ होंगी और यह रेटिंग जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अनुरूप है और यह ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है इसके इसी पर आधारित है। ये यूएन द्वारा संचालित होता है और अभी नहीं संचालित कौन करता है ये करता है टुवार्ड्स जीरो फाउंडेशन ग्लोबल एनसीएपी ध्यान देना ग्लोबल एनसीएपी कौन करता है ग्लोबल एनसीएपी की टुवार्ड्स जीरो फाउंडेशन ये एक चैरिटी संस्था है यूएन नहीं गलत है ठीक है और यूएन इसको बढ़ावा देता है इसका संचालन कौन करता है परियोजना किसकी है ये तो टुवार्ड्स जीरो फाउंडेशन की है। ठीक है तो ये इसका कंपैरिजन किया गया कि वैश्विक जो है और भारत में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो भारत का जो एनसीएपी किस पे लागू होगा तो जान समझो कि ऐसे वाहन पे लागू होगा जिसमें ड्राइवर सीट के अलावा जो है 8 सीटें अधिक नहीं हों। ठीक और इस कार्यक्रम के तहत जो है जो कंबसन इंजन वाहन है उसका सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन इसका भी परीक्षण किया जाएगा। टेस्ट के प्रोटोकॉल क्या होंगे इसमें जो है कि एडल्ट ऑक्यूपेटरी सेफ्टी चाइल्ड ऑक्यूपेटरी सेफ्टी और कार में जो सेफ्टी लगती है उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे 3 टेस्ट होंगे फ्रंटल साइड और साइड पोल टेस्ट। ठीक है बस ध्यान देना है इसमें टेस्ट का प्रारूप वॉलेंट्री है मतलब ये कंपलसरी नहीं है ध्यान देना जो भारत की जो है ये टेस्टिंग बनाई गई इसमें यही सबसे मेन लाइन है कि ये कंपलसरी नहीं है वॉलेंट्री है स्वैच्छिक है आप चाहो तो करो तो ठीक है नहीं करना मत करो ये बात है आपको। ठीक अब इसका जो वाहन का जो टेस्टिंग कार्य किसको दिया गया है तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सौंपा गया है जो पुणे में है और चाकन में दो जगह यहाँ पे इसका टेस्ट करेगी। कुछ कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं उन सुर्खियों को देखते हैं जैसे कि ब्लैक स्पॉट क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट क्या होता है किसी भी जो नेशनल हाईवे पे 500 मीटर की दूरी हुआ होती है जहाँ पे पिछले 3 वर्षों में 5 सड़क दुर्घटनाएँ हुई हों या जिसमें 3 वर्षों में कुल 10 मौतें हुई हैं यानी कि जो ऐसे गड्ढे या ऐसे जो ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट बार बार होते रहते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। तो NHAI ने ठीक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठीक है इसने क्या किया कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर दुर्घटना के जो स्पॉट्स उसको ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक और इसके लिए जो है बताया गया कि इसमें एक प्रकार के जो स्पॉट्स हैं उनको ठीक करने सुधारने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये यहाँ पर खर्च किए जा सकते हैं ये सौंपा गया इसको काम। ठीक डकार डिक्लेरेशन ये इम्पॉर्टेंट है ये छोटा सा दे लेकिन इसको बड़ा कर देना चाहिए था डकार डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक तो मैंने इसको देखा था लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे में दिया हुआ है। डकार डिक्लेरेशन क्या है कि सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक योजना को लागू करने वाला जो है लागू करने पर प्रथम अफ्रीकी उप क्षेत्रीय सम्मेलन के बाद जो है 21 देशों ने अफ्रीकी देशों में ध्यान देना सड़क सुरक्षा पे वैश्विक योजना को लागू करने पर जो प्रथम अफ्रीकी जो सब रीजनल सम्मेलन हुआ था उसमें 21 देशों ने अफ्रीकी देशों ने डकार घोषणा पत्र को अपना लिया सैद्धांतिक तौर पे। ठीक है अब ये मार्गदर्शक दस्तावेज है जो सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। ध्यान देना है ये 2021 से 2030 तक क्या बोलता है सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई 2021 से लेकर 2030 का वर्ष जो है हमें सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई डकार डिक्लेरेशन। ठीक है ध्यान देना आपको इसमें बताया कि 2030 तक हमें क्या करना है कि सड़क यातायात से जो मौत हो रही है चोट हो रही है उसमें कम से कम 50% की कमी हमें लानी है इसका एक लक्ष्य है। हो गया खत्म ये अब आता है भारत में महापत्तन की कार्यप्रणाली फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ समझो कि हाल ही में परिवहन पर्यटन और संस्कृति विभाग संबंधी जो संसदीय की स्थायी समिति थी इसने देश में जो महापत्तन है उस पर कार्यप्रणाली पे 352 रिपोर्ट पेश की। ये मैंने आर्टिकल पढ़ाया हुआ है आपको मंथली मैगजीन में लगभग सारे आर्टिकल मैंने पढ़ाए हुए ही हैं। ठीक है तो किसने शुरू किया किस समिति ने तो परिवहन पर्यटन संस्कृति विभाग की जो समिति थी उसने शुरू की पेश की इसमें महापत्तनों पे जो है ये रिपोर्ट्स थी इसकी जो फंक्शनिंग है कार्यप्रणाली है। तो आपको ध्यान देना है पत्तन न्यूज में है तो पत्तन में आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ें जाननी है आज आपको। तो पत्तन ये सवाल पूछता है UPSC क्या कर रहा है कि मैंने आपको जो है कि बताया था कि जो भी चर्चा में पोर्ट्स रहते हैं उनको पूछता है साथ ही जो एंशियंट इंडिया में पोर्ट्स रहे हैं ये आपका पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे इन पोर्ट तट पे जो है पोर्ट्स रहे हैं उनके पुराने नाम उनको पूछे 2023 में ही PYQ है 2023 का जो पोर्ट्स को पूछा था सीधे सीधे तो गलती मत करना आप लोग पढ़ के जाना
पोर्ट्स, और मैंने आपको टेलीग्राम पे जो एंशियंट इंडिया के पोर्ट्स थे उसका मैंने कंपाइलेशन डाला हुआ है। टेलीग्राम पे मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत सी चीज़ें डालता रहता हूँ, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। तो भारत में पोर्ट दो श्रेणी में बांटते हैं समानता, एक होता है मेजर पोर्ट्स, दूसरा होता है माइनर पोर्ट्स। तो जो मेजर पोर्ट्स होता है वो केंद्र सरकार डायरेक्टली अपने नियंत्रण में लेती है, और ये संविधान के जो सातवीं अनुसूची उसमें क्या है, संघ सूची का विषय होता है, इसलिए जो केंद्र सरकार इसको अपने नियंत्रण में रखती है। जो मेजर पोर्ट्स होते हैं बड़े पोर्ट्स होते हैं, कुछ माइनर पोर्ट्स होते हैं जो क्या कौन कौन रखता है, तो स्टेट मैरिटाइम बोर्ड रखता है, ठीक। और ये कौन से विषय में है, समवर्ती सूची का ये विषय होते हैं, ठीक है, ध्यान देना माइनर पोर्ट्स। तो भारत की जो सरकारी स्वामित्व में उसमें क्या है, 12 जो है पत्तन है, महापत्तन बड़े पोर्ट्स हैं जिसमें 6 पूर्वी हैं और 6 पश्चिमी हैं, ध्यान देना। आपको दो कानून है जो रेगुलेट करते हैं, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 और इंडियन पोर्ट एक्ट जो है, इसको इस कानून के द्वारा जो है हमारे जहाँ पोर्ट्स जो है वो संचालित होते हैं, ठीक। तो इस वाले जो रिपोर्ट में बताया गया कि जो प्रदर्शन बताया गया कि जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है जो पोर्टसन पे, मतलब एक बार जहाज आई खाली हुई और वापस चली गई, ये टाइम जो टर्न अराउंड का है पूरा एकदम, आप एक बार आना और उसके लिए जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, वो 94 घंटे से घट करके 52 घंटे हो चुका है। तो सीधे जो है 40 घंटे कमी आई है। यातायात क्या है, लगातार वृद्धि हो रही है भारत में जो पोर्ट्स हैं, कार्गो पे लगातार वृद्धि हो जा रही है। ऑपरेटिंग रेशियो बहुत कम हुआ है, मतलब आप समझो कि जो कमाया गया रुपया है उसके बदले में कितना हम खर्च करेंगे, मतलब समझो कि 100 रुपया कमाने के लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो ये हो रहा है, अब ये बहुत कम हो गया, मतलब आप समझो कि 100 रुपये की कमाई पे 48 रुपये खर्च किए गए हैं जो कि 53 रुपये पहले था, ठीक। तो ये हो गया। अब हमने जो है कुछ प्रयास किए हैं किस चीज़ के लिए, पत्तन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए, कौन कौन से, तो निगरानी करने के लिए हमने जो है जो परियोजनाएं चल रही हैं पोर्ट्स पे और पत्तन पे उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए सागर मंथन डैशबोर्ड भी हमने शुरू किया, सरकार ने किया, ठीक है। तो रियल टाइम ट्रैकिंग है, यातायात प्रबंधन के लिए जानकारी जहाज़ों पर रियल टाइम जानकारी के लिए सागर सेतु ऐप शुरू किया गया है, ठीक। NLP है यानी व्यापार सुविधा नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, ये क्या कहें यहाँ पे NLP यहाँ पे नामक यानी समुद्री नामक जो है राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर होंगे इंपोर्टर होंगे जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे व्यापार को सुगम बनाएगा, NLP नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, ठीक। ये मरीन नामक जो है ये प्लेटफॉर्म है, और पत्तन के जो प्रदर्शन उसका संकेत है उसकी निगरानी की जाएगी, जैसे टर्न अराउंड टाइम की निगरानी के लिए सागर उन्नति डैशबोर्ड शुरू किया गया है जो क्या करता है, जो प्रमुख प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन जो संकेतक होते हैं उसका जो है प्रदर्शन हो नहीं रहे, गलत मैंने बोला, प्रदर्शन संकेतकों को बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी संकेतक हैं उसका निगरानी करता है, कौन करता है, सागर उन्नति डैशबोर्ड करता है। जैसे कि टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ, तो आपने ऊपर बताया ना कि मतलब टर्न अराउंड टाइम मतलब कि एक बार जहाज आया पोर्ट पे, फुल लगा, उसने सामान को उतारा और सामान को आप उतार के वापस अपने जहाज को लोड किया फिर वापस गया, तो टर्न अराउंड टाइम मतलब जितना घंटा लगा ये जो टाइम काम करने में वही होता है टर्न अराउंड टाइम, ठीक। तो ये घट करके क्या हो गया है आपका, लगभग 52 घंटे हो चुका है। आप जानते होंगे कि भारत का सबसे पुराना पत्तन कौन सा है, कोलकाता पत्तन है, इसे कौन, इसका नाम क्या हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, ठीक है। और ये क्या है, पूरा देश का एकमात्र प्रमुख नदी पत्तन है, ठीक है, ध्यान देना। मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा जो है नेचुरली जो पत्तन है बंदरगाह है। तमिलनाडु में कामराजार जो पत्तन है या एनोर पत्तन है कंपनी के रूप में पंजीकृत है एकमात्र पत्तन, मतलब कंपनी के रूप में, ठीक, ध्यान देना एक पोर्ट को। तो इस पोर्ट्स में आप समझो इसमें कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप समझो कांडला पोर्ट्स है उसको दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है और GNPT जो पोर्ट है ये भी है, मार्मोगांव गोवा में है, न्यू मंगलोर मंगलोर में है, कोचीन में है, तूतीकोरिन जो है आपका तमिलनाडु में है, वीओ चिदम्बरम है पोर्ट ट्रस्ट, फिर एन्नोर है, ठीक, ध्यान देना यहाँ पे कामराजार इसको बोलते हैं, चेन्नई पोर्ट्स है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है और कोलकाता है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये पोर्ट्स हैं, 6 इधर मेजर पोर्ट्स हैं, 6 उधर माइनर मेजर पोर्ट्स हैं, 6 पूर्वी मतलब पूर्वी तट पे, 6 पश्चिमी तट पे, टोटल 12 जो है मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा सेक्शन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। कल की क्लास में जो है हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और इसमें से जो मैगजीन में आपको लगभग 2 क्लासेस और लेंगे और मैगजीन में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद इन्वायरमेंट वाली जब आएगी मैगजीन तो हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। कंटेंट कैसा लगा रिप्रेजेंट करने का, कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर जो आप कमेंट करिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।